मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के जांच सीबीआई को सौंप दी है। राज्य सरकार सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। कई दिन बाद भी कोलकाता पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा और अब उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा। कोलकाता कांड में रूह कपा देने वाली रिपोर्ट, डॉक्टर रेप मर्डर केस में दरिंदगी की सारी हदें पार। महिला डॉक्टर को हत्यारे ने तड़पा तड़पा कर मारा। नींद में सो रही डॉक्टर का रेप किया। रेप के बाद गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। यही है वो आरोपी संजय रॉय, जिस पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के रेप और क्रूरतम हत्या का आरोप लगा है। मरीज की जान बचाने वाली डॉक्टर की जान इतनी क्रूरता से की गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हर कोई सन्न रह गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों के नीचे कांच के टुकड़े मिले। महिला डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी। महिला डॉक्टर के निजी अंगों में चोट के निशान थे। उसके सिर को दीवार पर कई बार पटका गया। चेहरे और पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बहा था। उसकी आंखों और मुंह से भी खून निकला था। महिला डॉक्टर के नाखूनों में आरोपी की त्वचा के कुछ अंश मिले हैं। ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर में शायद ही ऐसा कोई अंग बाकी रहा हो जिस पर चोट के निशान ना मिले हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, चेहरा, होठ, गर्दन, पेट, हाथ और पैर पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद गला घोटकर मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पीड़ित का गला घोटकर हत्या की गई थी। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गला घोटा था। दरअसल आरोपी ये नहीं चाहता था कि रत्ती भर भी सांस उसके शरीर में बाकी रह जाए, जिससे उसके जिंदा होने की कोई भी गुंजाइश बाकी रहे। इसलिए हत्यारे ने दूसरी बार भी उसका गला काफी देर तक दबाया और पूरी तसल्ली हो जाने पर ही छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर ने आरोपी संजय से खुद को बचाने के लिए पुरजोर विरोध किया होगा। इस झड़प में उसके चश्मे का शीशा टूट गया और शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में चले गए, जिसके बाद उसकी आंखों से खून बहने लगा। इसके अलावा वो हाथापाई के दौरान चिल्लाने की कोशिश की होगी, जिसे चुप कराने के लिए आरोपी ने उसका सिर दीवार पर मारा होगा, जिससे उसके चेहरे और सिर पर चोट लगी है। इधर पुलिस को आरोपी संजय रॉय के मोबाइल में पॉन क्लिप्स मिली हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के पिछले वाले हिस्से में शराब की और पॉन देखा। इसके बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में गया, जहाँ ट्रेनी महिला डॉक्टर पहले से गहरी नींद में सो रही थी। अस्पताल का कर्मचारी नहीं होने के बाद भी संजय रॉय अस्पताल के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक जाता था, क्योंकि आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर हैं। इसकी वजह से अस्पताल के कई विभागों में उसकी आसान पहुंच थी। वो कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। अस्पताल में संजय बहुत रोब में रहता था और वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में तैनात था। उसका काम अस्पताल आने वाले पुलिस कर्मियों की मदद करना था। अस्पताल में संजय रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का कर्मचारी बताता था। उसकी सैलरी महज 12,000 रुपए है, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वो मरीजों से रिश्वत लेने वाले गिरोह का सदस्य भी था, जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे वसूलता था।
अगर मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता तो वो पास के नर्सिंग होम में बेड दिलाने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे लेता था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अपने गुनाह पर उसे कोई पछतावा नजर नहीं आया। उल्टे उसने कहा कि चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। आरोपी संजय भी जानता है कि उसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए काफी हैं। इसलिए उसने अपना जुर्म आसानी से कबूल लिया। राजधानी भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर बने कॉलेज ने एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज 18 की टीम जब कॉलेज पहुंची तो एक के बाद एक खुलासे हुए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। कॉलेज के इंतजाम, टीचिंग स्टाफ और छात्रों की पड़ताल करती न्यूज 18 की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे मिले जो सिर्फ कागजों पर थे। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो है ही। इस बीच न्यूज 18 की टीम को एक ऐसे कॉलेज का पता चला है जो आपको हैरान कर देगा। तस्वीरों में दिख रही टूटी फूटी इमारत वास्तव में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज। कॉलेज की प्रिंसिपल है, टीचर भी है। अब जरा कॉलेज के अंदर का हाल देख लीजिए। पूरी इमारत में 3 कमरे है, यानी 3 कमरों का ये कॉलेज है। छात्रों के बैठने के लिए नाम के बेंच और डेस्क हैं, जिनकी संख्या इतनी कम है कि इस छोटे से कमरे में किनारे बस रख दिया गया है। यही हाल दूसरे कमरों का भी है। कमरे में न तो लाइट की व्यवस्था है, न ही पंखा है। दीवारों पर सीलन है और कहीं कहीं तो दरारें। कॉलेज में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल यह है कि जब कॉलेज है तो टीचर और छात्र कहाँ हैं? न्यूज 18 की टीम जब कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल और दूसरा स्टाफ मिला, लेकिन कोई छात्र नहीं मिला। जरा सुनिए कैसे छात्रों की बातों पर प्रिंसिपल गोलमोल जवाब दे रही हैं। देखिए, इस सत्र में सेकंड ईयर है हमारे यहाँ। पिछले सत्र से आरम्भ हुआ है महाविद्यालय और 250 लगभग पंजीयन हुए हैं, और जिसमें कि अभी क्योंकि प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया में है, और 50 के लगभग विद्यार्थियों ने फीस भरी है। और हमें उम्मीद है, 600 सीट का कॉलेज है, तो हमें उम्मीद है कि जब तक राउंड खत्म होगा अंतिम, तब तक हमें पूरे एडमिशन मिल जाए। खास बात यह है कि अतिथि शिक्षक और परमानेंट टीचर को मिलाकर कॉलेज में कुल 14 स्टाफ हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। कॉलेज में ना कोई लैब है, ना ही शौचालय। प्रिंसिपल का कहना है कि पिछले साल कॉलेज में एडमिशन शुरू हुआ है और धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। सर, जब बडिंग कॉलेज होता है, जब कोई भी चीज़ नई बनती है, तो उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय लगता है। और विभाग का तो पूरा सहयोग है, आप देख रहे हैं, ये सारा फर्नीचर जो भी हमें आवश्यकता थी यहाँ हमें दी गई, क्लासरूम्स में फर्नीचर दिया गया। और बाकी चीज़ों में मैं कहूँगी कि चीज़ें प्रक्रिया में हैं और धीरे धीरे जब तक होगा, भवन निर्माण होगा, तब तक सारी चीज़ें, लैब भी हमारे पास होगी, स्पोर्ट्स का सामान भी हमारे पास होगा। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि चीज़ें प्रक्रिया में। उधर कॉलेज के ही स्टाफ ने पिछले साल केवल 4 छात्रों के एडमिशन का खुलासा किया। साथ ही उनका मानना है कि इस साल भी 17 से 18 छात्रों ने ही एडमिशन लिया होगा। आप बता रहे हो कि लास्ट ईयर जो है वो 8 लोगों ने फीस भरी थी। हाँ, 8 बच्चों का एडमिशन था। 8 एडमिशन थे और 4 ने फीस वापस ले ली। हाँ, अब फीस वापस ले ली या फिर उन्होंने ट्रांसफर ले, तो मतलब टोटल 4 स्टूडेंट रहे, 4 छात्र बचे थे। 4 में से 2 ने परीक्षा के फॉर्म भरे थे, 1 हमारा बीकॉम का था और 1 शायद हमारा बीए का बच्चा था। और अभी इस सेशन में जहाँ तक मुझे, मैं आपको, क्योंकि एडमिशन कमेटी में मैं नहीं हूँ, एडमिशन कमेटी कोई और देख रहा है, तो उसमें लगभग है ना, शायद है ना, 14 या 17, इससे ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है, मैक्सिमम 17 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पाया कि कॉलेज में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। अब सवाल है कि आखिर इस तरह के कॉलेज को शुरू करने का क्या महत्व है? कॉलेज में दूसरी सुविधा तो छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। ऐसे में यहाँ कौन एडमिशन लेगा? कॉलेज सरकारी है, ऐसे में जिम्मेदारों पर सवाल उठना लाजमी है। 600 सीटों वाले 14 से ज्यादा स्टाफ वाले इस कॉलेज में छात्रों की संख्या बहुत कम है। महज कुछ ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से कितने लोग फीस भरेंगे इसका भी अभी कोई अंदाजा नहीं। ये हालत है शासकीय महाविद्यालय फंदा, जिला भोपाल की, जो राजधानी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जर्जर बिल्डिंग, क्लासरूम में भरा पानी, और यहाँ तक कि महिला टीचर स्टाफ के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है।
इन्हें पास ही बने एक आदिवासी छात्रावास के शौचालय का उपयोग करना होता है और पुरुष स्टाफ के लिए पास ही में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, वहाँ जाके उसका इस्तेमाल करना होता है। प्लेग्राउंड की हालत आप देख ही रहे हैं कि यहाँ गाय भैंसें चल रही हैं, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, बिल्डिंग बेहद जर्जर है। तमाम दावे करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि आखिर राजधानी से 15 किलोमीटर दूर उनकी निगाह क्यों नहीं जब पहुंच पाई। जीता गोल्ड मिलेगी भैंस। ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट अरशद नदीम को उनके मुल्क में कई अजीबोगरीब इनामों से नवाजा जा रहा है। अब उनके ससुर ने उन्हें भैंस देने का ऐलान किया है। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल के साथ आए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा है। उनकी उपलब्धि से उनके ससुर इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया है। कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके में ऐसे गिफ्ट परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे बेहद ही सम्मानजनक माना जाता है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुँचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। अरशद के गाँव में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए उनके ससुर ने उन्हें भैंस तोहफे में दी है। दो बच्चों के पिता अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब के खानेवाल के रहने वाले हैं। उनका परिवार भी आर्थिक तौर पर कमजोर माना जाता है, लेकिन नदीम ने अपने प्रदर्शन से अपने इलाके का गौरव भी बढ़ाया है, क्योंकि साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद पाकिस्तान के खाते में पहला व्यक्तिगत पदक है। कोई भी एथलीट अपने दम पर पदक नहीं ला पाया। अरशद नदीम ने पिछले हफ्ते पेरिस में 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा था। अरशद नदीम को जहां उनके ससुराल से भैंस मिली है, तो वहीं उन पर दूसरे इनामों की भी बारिश हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने अरशद नदीम को कार गिफ्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अरशद नदीम के फैंस को पुरानी कार गिफ्ट में देना नहीं भा रहा। जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक में मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया, उसे गिफ्ट में भैंस और अल्टो कार मिलने से सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बेंगलुरु से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। यहाँ एक वॉल्वो बस ने सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए आप भी तस्वीर। बस ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बेंगलुरु के एक वॉल्वो बस बेकाबू हो गई और उसके बाद कुछ ऐसा दहशत में डालने वाला मंजर सामने आया। बस में ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल रहा है, लेकिन वो बस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। इसके बाद तो सड़क पर जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। पहले बस ने एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर दूसरी बाइक को टक्कर लगी और इसके बाद तीसरी बाइक भी चपेट में आ गई। साथ ही एक सफेद कार भी बस की टक्कर से बच नहीं पाई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद बस ने एक और कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर पूरी तरह घूम गई। इस तरह बस ने सड़क पर दहशत मचा दी और लोगों की जान पर बन आई। इस घटना में दो लोग घायल हुए, बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कार में सवार यात्रियों की जान बच गई। बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर की ये घटना बताई जा रही है। सोमवार सुबह की समय एक वॉल्वो बस सड़क पर दौड़ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल हो गया।
बस का ड्राइवर बस में ब्रेक लगाने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रेक नहीं लगा और इस तरह बस ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। गाड़ियों से टकराने के बाद बस खुद रुक गई। ड्राइवर के चेहरे पर भी खौफ साफ देखा गया। बाद में बस ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे और बाहर का नजारा लेते हैं। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर आगे जाकर बस ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बारिश के कहर की ऐसी तस्वीरें जो हैरान कर देंगी। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या होगा। सिंगरौली में पानी का कहर और इस कहर में गाड़ी की जल समाधि लाइव होगी। मुरैना में तालाब की दीवार फूटी और उसके बाद किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा और श्योपुर में बारिश में जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तिरपन सेकंड का यह वीडियो जिसमें जल प्रहार की लाइव तस्वीरें हैं। ये कार सवार अपनी कार को बहने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। कार हिलती डुलती रही। उसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए कूदकर उसने जान बचाई। और फिर अगली तस्वीर जो कैद हुई उसमें ये कार ऐसे बह गई। देखिए जरा, फिर से देखिए पानी के तेज बहाव के बीच कैसे कार गायब हो गई। सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश से ऐसे हाल बेहाल हुआ। सिंगरौली के खुले कोल माइंस दूधी चुआ में जगह जगह पानी भर गया था। माइंस के अंदर फिसलन थी। माइंस के अंदर जगह जगह गड्ढे, भारी भरकम खाइयां और इसी खाई में मैनेजर की कार बह गई। सिंगरौली के बाद मुरैना में आफत आसमानी और मुश्किल में लोगों की जिंदगानी है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं सबलगढ़ की टोंगा पंचायत की, जहां तालाब फूटने से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में हालात बिगड़ गए। दो दिन से जारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैलारस तहसील के गुलपुरा पंचायत के नाथ सपेरे गांव में पानी भर गया था। इस बारिश से सबलगढ़ तहसील में खतरा मंडरा रहा है। टोंगा गांव में तालाब की दीवार फूटी और किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई। पूरी पूरी परेशानी ग्राम पंचायत को, तो गान को, बद्ध के पूरा, रानीपुरा, पहाड़ी को, पूरा पूरा बहाव है। और देवपुर पांच गांव लगते हैं जी इसके नीचे। क्या परेशानी, क्या क्या है? पूरी फसल खड़ गई इसके बहाव से, पानी के से। और गांव में भी पानी है? गांव में भी पानी है, दो दो फुट। अब सिंगरौली के बाद श्योपुर की तस्वीर। नदी के पानी के तेज बहाव, पुल पर पानी ही पानी, रपटा, और इस रपटे में दो बाइक बहने लगी। उसके बाद बाइक को निकालने के लिए इन लोगों की कोशिश जारी थी। सोचिए यह कदम कितना खतरनाक हो सकता था। बाइक निकल गई, लेकिन लोग कैसे जोखिम में जान डाल रहे हैं। सामने रपटा है, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन मजाल है कि लोग रुक जाएं। ये लापरवाही जान पर भारी न पड़ जाए। आखिर कब थमेगा आसमानी आफत का ये सिलसिला। सीधी से हरीश द्विवेदी, मुरैना से अमित शर्मा और श्योपुर से दीपक दंडोतिया, न्यूज 18 के लिए। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दुश्मनों का सीना तोड़ने के लिए तैयारी लगातार जारी है। भारतीय सेना के जवानों को सबसे आधुनिक हथियार ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस से लैस किया जा रहा है। बॉर्डर पर अब तैयारी ऐसी है कि दुश्मन आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत जुटा नहीं सकता।
एलओसी से देखिए मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। के जो है व्हीकल्स है वो यहाँ पर भारतीय सेना को प्रोवाइड किए गए हैं। ये फुली बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें कंप्यूटर भी है, जिससे कंट्रोल रूम में सारी रिकॉर्डिंग जाती है कि अगर आतंकी जो है एम्बुश लगाकर हमला करते हैं, सेना के वाहन को भी निशाना बनाते हैं, तो कैसे QRT की ये बुलेट प्रूफ गाड़ी मौके स्थल पर पहुंचेगी। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि इस गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी की जा सकती है। हमने देखा कि इस गाड़ी की स्पीड जो थी वो हाई स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पथरीले रास्ते हों या ऊंची पहाड़ियों या घने जंगल हो, वहां पर भी ये गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है। अभी तक तो हथियारों के साथ तो खात्मा होता ही है आतंकियों का, लेकिन अगर वाहन पर वो हमला करते हैं तो ये जो बुलेट प्रूफ वाहन है ये आतंकियों को निस्तेनाबूद करने में उतनी ही मदद देगा जितनी मदद हाई टेक्निक वेपन्स इन जवानों के हाथ में होते हैं। जवाबी कार्रवाई में आप देखिए दोनों तरफ से जो टुकड़ियां हैं सेना की वो यहां पर पहुंच रही हैं और बड़ी तादाद में यहां पर सेना के जवान जो है वो यहां पर पहुंचे। और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो फुली बुलेट प्रूफ है, जिसके अंदर कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके अंदर कंप्यूटर लगा है, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके से इस इलाके में अगर घुसे हैं तो जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। ये वो गाड़ी है, मक्खन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। मक्खन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हाई टेक्निक वेपन्स के साथ यहाँ पर जो है यहाँ से ये टीम हथियारों के साथ जा रही है। पॉइंट पे है और जीरो पॉइंट से आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के वो गांव जहां पर लॉन्चिंग पैड है वो बड़ी ही नजदीक है। और ये सेना के जवान किस तरीके से यहां से उन पहाड़ों पर जाते हैं जहां पर फेंसिंग है, और पाकिस्तान के वो गांव जहां पर अक्सर हमें खबर मिलती है, सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिलता है कि वहां पर जो एरिया है जो इस पहाड़ी के, मैं मक्खन से कहूंगी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, जो भारतीय सेना के जवान है ये धीरे धीरे जीरो पॉइंट से इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे और ऊपर फेंसिंग है, फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान के वो गांव है जहां पर पाकिस्तानी लोग तो रह ही रहे हैं, साथ ही साथ लॉन्चिंग पैड है जहां से घुसपैठ की कोशिश होती है। और एलओसी से इसी रास्ते से और घने जंगलों से होकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को कामयाब करने के बाद यहां से अपने अलग अलग जम्मू के संभाग के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहां पर अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं। लेकिन भारतीय सेना के सतर्क जवान यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम है, भारी भरकम हथियार है, हाई टेक्निक कैमरे हैं जिनके साथ अब आतंकियों पर नजर जो है उन्होंने बनाई रखी है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश जितनी ज्यादा हो सके नाकाम की जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।